नाम डॉक्टर ओम प्रकाश पटेल। आइए आज हम NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे अपने सोर्स जो हमको चाहिए वो अपन ढूंढ सकते हैं और कैसे उसमें रजिस्टर होना, इस संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करूँगा। ये देखिए, मैंने गूगल में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया टाइप किया, मैंने ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आ गया यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, ये नेशनल डिजिटल ऑफ लाइब्रेरी इंडिया, ये MHRD का प्रोग्राम है और IIT खड़गपुर के द्वारा इसको तैयार किया गया है। आइए हम इसमें कैसे रजिस्टर्ड होना है वो मैं आपको एक बार बतलाता हूँ। ये पहले से मेरे अकाउंट खोला है, मैं इसको पहले बैक चला जाता हूँ यहाँ पे। ये फिर से ओपन हो गया, ये तो ये देखिए ये मेंबर्स लॉगिन आ रहा है, लेकिन पहले हम चूँकि रजिस्टर्ड होना चाहेंगे यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन के कैसे दिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए रजिस्टर करके कॉलम दिया नीचे में रजिस्टर्ड। क्या रजिस्टर्ड होने से एक चीज़ अच्छा रहेगा कि बहुत सारी जो चीज़ है वो रजिस्टर्ड होने के बाद जो रिसोर्सेज मिल पाता है तो वो हमको आसानी से मिल पाएगा। यदि हम बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ ढूंढते हैं तो जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है वो चीज़ हमको दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी यहाँ पे मांगा है, जैसे हमारा नाम मांगा है, लास्ट नेम मांगा है, ईमेल आईडी, आप एक पासवर्ड जनरेट कर लीजिए, उसको कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ आपका, और कौन से जेंडर के हैं आप, मेल हैं फीमेल हैं, अदर कौन से स्टेट से आपका ताल्लुकात है, छत्तीसगढ़ MP जो भी आपका स्टेट हो वो मेंशन कीजिएगा, सिटी किस सिटी से हैं आप, एजुकेशनल रोल मतलब किस फील्ड के हैं आप, स्पोर्ट्स लेवल के हैं या फिर कॉलेज के लेवल के हैं, वो यहाँ पर बता रहा है तो यहाँ पे मेंशन करना है। आप लैंग्वेज भी डाल सकते हैं यहाँ पे, आप किस इंस्टीट्यूशन से हैं वो करके, यहाँ पे कैप्चा एक आया हुआ है वो करके आप इसको कर लीजिए, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन ये हो जाएगा। तो चूँकि हम रजिस्ट्रेशन पहले से हैं तो इसलिए हम जो है रजिस्टर्ड मैं अपने ईमेल आईडी और इसे ओपन करूँगा इसको। तो आइए देखिए, ये देखिए आ गया, ये रजिस्टर्ड हूँ मैं, तो ये आप आ रहा है कैसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम आगे बढ़े हैं इसको। ये देखिए मैं इसे ब्राउज में जा रहा हूँ मैं, तो देखिए ये कैसे हम इसको एक्सेस कैसे करना है ये देख रहे हैं। देखिए टूल्स पे गया हूँ मैं, खोज जो है अपन खोज इसमें कैसे करेंगे, मतलब ढूंढना कैसे हमको अपना रिसोर्सेज। और जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट डाल रहा हूँ, आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मेटाफिजिक्स डाल रहा हूँ, तो मेटाफिजिक्स रिलेटेड जितने भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपके लैंग्वेज यहाँ पे तीन लैंग्वेज दिया है, हिंदी इंग्लिश और बांग्ला दिया हुआ है, आप जिस लैंग्वेज में चाहें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने मेटाफिजिक्स डाला हुआ यहाँ पे, इससे संबंधित जितने जो है ये सारा कुछ यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए आ गया ये, अब इसको हम चाहे आप इसको ऐसा भी एक एक करके इसको ओपन कर सकते हैं, या इसमें आप चाहे कुछ कोडिंग भी जाते हैं, जैसे एक्सेस के दिया हुआ, देखिए यहाँ पे खुला दिया है, सदस्यता दिया है, NDL दिया है, सीमित अधिकृत, तो हम यहाँ पे जो ओपन है जिससे रिसोर्सेस हमको आसानी से मिल सकता है वो हम यहाँ पे जाते हैं, ये हो गया। और NDL मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, और लेखक दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है ना, और यहाँ पे क्या दिया है, देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको जिस सब्जेक्ट का देखना है वो, तो हम सब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिए हैं, सब्जेक्ट का डिज़ाइन दिया हुआ है, आप किस संबंध में देख रहे हैं उसको, PhD, MSc, MA, किस स्तर पे आप देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो आप चाहे PhD के स्तर पर कर दीजिए या फिर MSc के स्तर पर कर दीजिए, जैसे हम यहाँ पर MSc के स्तर पर कर दे रहे हैं, ठीक है। शैक्षिक स्तर मांगा वो अपन कर लियो, फाइल फॉर्मेट दिया है, फाइल फॉर्मेट क्या आप लेना चाहते हैं, PDF या फिर जो लेना चाहते हैं वो टिक कर दीजिए,
लैंग्वेज दिया हुआ है यहाँ पे। तो चाहे तो लैंग्वेज भी यहाँ पे अपन टिक कर सकते हैं कि कौन से लैंग्वेज चाहिए हमको। तो ये देखिए इतने सारे लैंग्वेज यहाँ पे आ रहे हैं, आपको जिस लैंग्वेज में आपका चाहिए वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। अभी हमने इंग्लिश टिक किया हुआ है तो उस पर आएगा। और ये जो है शैक्षिक जो है रिसोर्सेज वो कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं वो दिखा रहा है, ठीक है, किस रूप में हमको प्राप्त करना है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और स्रोत दिखा रहा है कि स्रोत आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल से चाहिए या फिर ओपन एक्सेस से चाहिए, है ना, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। IAS है ये, इन्फ्लिपनेट है ये, तो PhD जेडर संबंधित तो इन्फ्लिपनेट से अपन जा सकते हैं, तो ये मैंने किया है, ठीक है, इस तरह से आ गया ये। तो इसको हम इस पर किसी भी टिक करके देखते हैं कि कैसा ये आएगा ये, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स दिखा हुआ है जिसको हम टिक कर लेते हैं, सॉरी क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए किस तरह से मटेरियल यहाँ पे हमारे सामने उपलब्ध हो रही है। ये PDF फॉर्म में रहता है, आप इसको क्लिक करके इसको सेव हो जाएगा तो बाद में आप इसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए जैसे इस टाइप से है तो ये ऑडियो मटेरियल है, ये तो ऑडियो भी यहाँ पे आपका अवेलेबल रहेगा। ये ऑडियो जो है वो हम सुन के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से संबंधित, ये आ जा रही है। इसको हमको डाउनलोड कर सकते होगी इसको, ये देखिए इस तरह से। This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please. आगे चलते हैं हम इसमें। तो ये सारे वॉइस के दिखाए हुए यहाँ पे, मैं और किसी टाइप से दिया होगा तो वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे मुझे लग रहा है PPT जैसा यहाँ पे दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे ये देखिए PPT जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से। देखिए तो ये इस टाइप से आप देख सकते हैं इसको, मेटाफिजिक्स में इस टाइप से आपको चाहिए PPT के माध्यम से तो वो अपन ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। तो वॉइस हमने देख लिया, आपको PPT देख लिए, और एक ये वीडियो दिया हुआ है, आइए इसका वीडियो भी कैसा है ये देख लेते हैं। मतलब मेटाफिजिक्स से कितने टाइप से हमने इसको सर्च देखा, कितने टाइप से मटेरियल दिख रहा है वो देखिए यहाँ पे हमने ये वीडियो। ये वीडियो आ रही है तो वीडियो के माध्यम से भी मेटाफिजिक्स संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। I teach philosophy at the University of Virginia, and today I want to talk about emergence. Emergence is a complicated subject, so we shall only look at some of the more basic features. Let's begin with reduction, because emergence is often तो आप यहाँ पे जो भी मटेरियल डालेंगे ये इस टाइप से ये सर्च हो जाएगा। आप तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, तो लैंग्वेज चेंज भी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे अपन अब कुछ दूसरा देखते हैं यहाँ पे, अपन इकोनॉमिक्स का कुछ देख लेते हैं। देखते हैं हिंदी में देखने का प्रयास करते हैं इसको। देखिए इकोनॉमिक्स का आ गया ये,
ये देखिए एक नंबर इसका, यहाँ से अपन जाके शैक्षिक स्तर पर चेंज भी कर सकते हैं कि किसी स्तर का आपको मटेरियल चाहिए यहाँ पे। जैसे हम इसको पीएचडी के स्तर पे कुछ देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस टाइप से आ गई है, अभी देखिए हम किसी एक को भी क्लिक कर दे रहे हैं। तो ये शोध गंगा के थ्रू जो थीसिस वगैरह है वो यहाँ पे दिख जा रहा है। इस टाइप से पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, तो ये अपन इसको सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदी में था, ये देखिए हमने वहाँ पे हिंदी डाला था, तो ये हिंदी में ये रिसोर्सेस आ रहा है। आप देखिए कि बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे, जिस लैंग्वेज में हमको देखना हो वहाँ पे हम जाके देख सकते। तो ये कीवर्ड के थ्रू हमने इसको सर्च किया, ये यहाँ पे सारे ये वर्ड की फाइल ही बता रहा है, इसमें ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने यहाँ पे पीएचडी कर दिया, इसलिए कुछ और अपन डालते तो यहाँ पे शायद आ जाते हैं। एमएससी करके मैंने देखा है, पीएचडी को हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और शैक्षिक स्तर में कुछ स्नातक कर देते हैं, तो इसमें भी सारे ये वर्ड का ही आ रही है। मैं चाह रहा था कि यहाँ भी आपको एक वीडियो या वो कुछ दिखा दो, लेकिन ऐसा आ नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको इस टाइप से हम इसको सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है। कोई भी एक ओपन करके हम देख लेते हैं इसको। एम ए सेकेंड सेमेस्टर का कुछ दिखा रहा था ये पीडीएफ फॉर्म इसका आ रहा है, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अमरकंटक का कुछ है, ये क्या, ये एम ए फर्स्ट सेम इकोनॉमिक्स का पेपर है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो जैसा हम वहाँ पर सर्चिंग में डाले हैं ये उस टाइप से ये दिखा रहा है, ठीक है। आइए हम उसको, हमने अभी खोज से इसको सर्च किया था, अब इसको हम ये ब्राउज में बहुत सारे ऑप्शन दे रहे थे उसके हिसाब से देखते हैं, उसके हिसाब से क्या आता है इसमें। जैसे विषय अनुसार आ जाइए, विषय देखिए, विषय अनुसार में ये प्रथम विषय स्तर, द्वितीय विषय स्तर और तृतीय विषय स्तर इस टाइप से ही आया है ये। प्रथम विषय में आप कुछ यहाँ पे जो आपको टाइप करना है वो भी डाल सकते हैं, नीचे बहुत सारा दिया है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर्स का हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस टाइप से आ जा रही है, और इसमें भी हम कुछ और इसको रिफाइन करना चाहते तो यहाँ से कुछ डाल देते हैं कि किस माध्यम में आपको चाहिए, ज्ञान है, बुक्स है, सिस्टम है, डेटा प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दिया यहाँ पे, तो किस टाइप से चीज़ है ये इसमें डाल देते हैं। डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर साइंस अपन कर देते हैं। ये देखिए मैपिंग, इमेज प्रोसेसिंग, चॉइस ऑफ बाउंड्री मैट्रिक्स ये आ जा रहा है यहाँ पे। कोई भी एक आप इसको टिक कर लीजिए। तो ये जो है ये डेटा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही दिख जा रहा है। सिक्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेब मैट्रिक्स पे कुछ ये कॉन्फ्रेंस हुआ है 2010 में, उसका ये दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ माइसोर में, तो वहाँ के पेपर का है ये। तो जैसे जैसे हम सर्च करेंगे ये ऐसा ऐसा ये आते जाएगा। अब ब्राउज से हमने अभी इसको विषय अनुसार देखा, अब स्रोत अनुसार से देख लेते हैं इसको।
देखिए स्रोत और सर्वे ये दिए हुए हैं, बहुत सारे दिए यहाँ पे, थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। NPTEL गेट है ना, इन्फ्लिपनेट, शोध गंगा, तो जिसके भी हमको देखने हैं वो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। NCERT भी दिया है यहाँ पे, NPTEL भी दिया है, तो जिसका भी मटेरियल हमको देखना है वो उसको हम क्लिक कर देते हैं। देखिए हमने गेट क्लिक किया, तो गेट से संबंधित यहाँ पे जो भी एक एक उसके स्टडी मटेरियल होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, वो यहाँ पे आ गया। ये तो ये गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ये इससे रिलेटेड जो एक सोर्स है टू टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग का, ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आएगा। ये देखिए दोस्तों, तो इस टाइप से कोई इसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा ये, इस टाइप से PDF फॉर्म में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और जिसकी भी जानकारी हम यहाँ से चाहेंगे ऐसा आप ये करके साइड ऐसे करा लीजिए इसको और क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा। तो ये इस टाइप से हमने देखा। और एक और बच्चा यहाँ पे ब्राउज में जाके हम इसको शैक्षिक संसाधन अनुसार, तो इस माध्यम से देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप से सर्च हो सकते हैं। देखिए ये सॉरी मिनट, तो देखिए ये तो ये इस तरह से आ गई है। ये देखिए फर्स्ट में क्या अनुच्छेद ऐसा आ रहा है, और हम सेकंड क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे तो ये ऑडियो व्याख्यान आ रहा है। देखिए ऑडियो फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होके ये आएगा। ये देखिए बुक फॉर्म में है, ये पुस्तक फॉर्म में जानकारी है, तो आप यहाँ से जाकर डायरेक्टली इसको सर्च कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर आ रहा है, किसी चीज़ का क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसको। थीसिस फॉर्मेट में आ रहा है, और ये यहाँ से वीडियो व्याख्यान आ रहा है। देखिए वीडियो का दिया हुआ यहाँ पे इंटरप्रेटर डेवलपमेंट, ये तो आपको जिसका भी वीडियो देखना है आप यहाँ से इसको टिक कर दीजिए और ये डाउनलोड होकर ही आपको दिखने लगेगा। पिछले थोड़ी देर पहले हमने इसको ये बताया था वहाँ से, तो ये इस तरह से भी इसको हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो आज हमने ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के संबंध में दोस्तों तो कह सकते हैं इसको ये जानकारी का खजाना है, और आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आपको इसमें रजिस्ट्रेशन होना है, और आप इसको कभी भी इसको किसी भी समय घर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें रिसोर्सेस हैं दोस्तों, संसाधन है इसमें, तो आप इसको अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। और आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखे, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।